ये कहानी है 1938 कैरली नाम के एक आदमी की, हंगेरियन आर्मी में, और वो उस कंट्री का बेस्ट पिस्टल शूटर था। भी नेशनल चैंपियनशिप्स हुई थी उस कंट्री में, उसको वो जीत चुका था, और सबको ऑलमोस्ट कंफर्म था कि 1940s में जो ओलंपिक्स होने वाले हैं उसमें गोल्ड मेडल कैरली को ही मिलेगा। और उसने सालों से ट्रेनिंग करी थी, एक ही सपना था, एक ही फोकस था कि मुझे अपने इस हाथ को दुनिया का बेस्ट शूटिंग हैंड बनाना है, बेस्ट बनाना है, बेस्ट बनाना है। और वो कामयाब हो गया, उसने बना लिया बेस्ट शूटिंग हैंड। सिर्फ 2 साल का फर्क था। 1938 में एक आर्मी का ट्रेनिंग कैंप चल रहा था, उसके उसी हाथ में जिससे उसने गोल्ड मेडल जीतना था उसमें एक हैंड ग्रेनेड फट गया और वो हाथ चला गया। जो उसका सपना था, जो फोकस था, सब खत्म। उसके पास दो रास्ते थे, एक तो ये कि वो बाकी की पूरी जिंदगी रोता रहे और कहीं जा करके छुप जाए, या अपना जो गोल था जिस पे उसने फोकस किया हुआ था उसको पकड़ करके रखा। तो उसने फोकस किया उस पे नहीं जो चला गया था, जो उसके